अगर आप स्किन डिसीज की दवा लेकर के थक गए हैं, कोई भी दवा आपको वर्क नहीं कर रही, स्किन डिसीज जब तक दवा लेते हैं तब तक तो आपको आपकी स्किन डिसीज अच्छी रहती है, मतलब आपका रोग ठीक हो जाता है चर्म रोग, और जो ही आप दवा बंद करते हैं आपके चर्म रोग फिर से हो जाता है, चाहे वो सोरायसिस हो, एक्जिमा हो, दाद हो, सफेद दाग हो, या बालों से बीमारी, कोई भी किसी भी तरह का चर्म रोग हो, अगर आप उससे परेशान है। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। आज का वीडियो स्किन डिसीज के ऊपर, इसके पहले मैंने ऑलरेडी दो वीडियो शेयर कर रखी है। स्किन डिसीज होता क्यों है, इसके क्या रूट कॉज है, क्योंकि बिना रूट कॉज जाने आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी बीमारी का रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसके रूट कॉज के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, थोड़ी लेंथी है वीडियो लेकिन बहुत ही काम की है आपके। अगर आपको स्किन डिसीज पे रियली जानकारी चाहिए तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो उसके पहले मैंने एक और वीडियो शेयर की थी कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिनको अगर आपको स्किन डिसीज है तो उसको कम्प्लीटली अपने डाइट से हटा देना चाहिए। जब तक आपको स्किन डिसीज है तब तक उस तरह के फूड आपको अपनी डाइट में नहीं लेना चाहिए। तो मैंने ये दो वीडियो स्किन डिसीज भी बनाई है। एक तो है ऐसे फूड जिनको आपको स्किन डिसीज में अवॉइड करना चाहिए, दूसरा है स्किन डिसीज के रीजन क्या, उसका कारण क्या, क्यों होती है स्किन डिसीज और क्यों इतना लंबा समय लेती है ठीक होने। और आज की वीडियो में शेयर करूंगी स्किन डिसीज की सबसे सेफेस्ट दवा जिसे आप ले सकते हैं किसी भी तरह के स्किन डिसीज में, जिसे जिसका उपयोग आप कर सकते हैं और आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। वैसे तो मैं स्किन डिसीज पे और भी वीडियोस लेकर के आऊंगी, बट ये एक ऐसी दवा है जिसको हर कोई ले सकता है, हर तरह के स्किन डिसीज पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही सेफ दवा है, किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं रहेगी आपको। आयुर्वेद में चरक ऋषि कहते हैं कि वैसे तो स्किन डिसीज 18 तरीके की होती हैं पर इनके नंबर असंख्य हैं। सभी जो स्किन की बीमारियां, मैं कोशिश करूंगी उस पे भी वीडियो बनाऊं, अलग अलग तरह के स्किन डिसीज पे मैं वीडियो लेकर के आऊं, परंतु इसके लिए आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके लिए वीडियो कितनी यूजफुल रही। अगर आपको पसंद आती तो बताइए, ना पसंद आती तो बताइए, तो कम एटलीस्ट अपना फीडबैक तो दिया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ना तो ये वीडियो आगे बढ़ पाएगी ना तो फिर मेरा मन लग पाएगा कि मैं करूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे चलते हैं। वैसे तो अलग अलग तरह के स्किन डिसीज अलग अलग कारणों से होते हैं, कोई वात की वजह से होता है, कोई कफ की वजह से होता है, कोई पित्त की वजह से, और कुछ तो विरुद्ध खान पान की वजह से होते हैं, और किसी को कोई बीमारी थी, बहुत पुरानी बीमारी थी, वो स्किन डिसीज में कन्वर्ट हो, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि श्वास की बीमारी थी वो चर्म रोग में कन्वर्ट हो गई। चर्म रोग के कई असंख्य कारण हो सकते हैं, उसकी दवाएं भी अलग अलग होती हैं। तो क्या कोई एक ऐसी दवा है जिसे हम हर तरह के चर्म रोग में ले सकते हैं, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन लेकर के मैं आया हूं जिसको आप हर तरह के चर्म रोग में ले सकते हैं, और ये दवाइयां आपके घर पे ही मिल जाएंगी या फिर आपके आसपास के स्टोर पे मिल जाएगी। तो उसमें सबसे पहली दवाई है गिलोय, गिलोय जिसको अमृता या गुरुची भी कहा जाता है, ये इजली आपको हर जगह मिल जाएगी, सड़कों के किनारे बेल के रूप में चढ़ी रहती है, कहीं नीम के पेड़ पे चढ़ी रहती है, मतलब ये जंगल झाड़ी की तरह चारों तरफ ये फैली रहती है, तो ये आपको कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर कहीं अवेलेबल ना हो तो आयुर्वेदिक शॉप पे इसका पाउडर आपको मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप छोटे से गमले में भी इसको लगा सकते हैं, बहुत ही इजिली ग्रो हो जाता है ये। इसको अमृता कहा गया, इसकी बेल अगर आप ला करके सालों रख देंगे ना तब भी वो जब जो बरसात का सीजन आएगा अपने आप उसमें से अंकुर फूट जाते हैं, इसलिए इसे अमृता भी कहते हैं, ये मरती नहीं है कभी। चलिए अब ये जानते हैं कि कैसे हमारे स्किन पे काम करेगी। गिलोय के गुणधर्म देखेंगे तो ये तिक्त रस है, बिटर टेस्ट है, तो आयुर्वेद में जो रस बताए गए हैं मीठा, खट्टा, नमक, कड़वा, कसैला, तीखा, इसमें से जो तिक्त रस है यानी कड़वा रस है वो स्किन की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी भी तरह के स्किन की बीमारी में आपको बिटर टेस्ट अपने खाने में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कड़वी चीजों का गुण धर्म है कि ये खून को बहुत तेजी से साफ करती हैं, खून को साफ करने में सबसे फास्ट होती हैं, साथ ही कफ और पित्त को भी कम करती हैं। सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि चर्म रोग के असंख्य कारण हो सकते हैं, परंतु सभी चर्म रोग जो शुरू होते हैं वात, पित्त और कफ इन तीनों के कारण ही होते हैं, और सबसे पहले अमाशय यानी पेट खराब होता है आपका, एसिडिटी होती है, पेट खराब होता है, आईबीएस
जैसी प्रॉब्लम होती है और बहुत साल तक ये अगर प्रॉब्लम रही तो आपको फिर ये चर्म रोग का रूप ले लेती है। और ऐसे में जो पेट की बीमारी, एसिडिटी, ये वात पित्त और कफ की वजह से होते हैं। और जो तिक्त रस यानी कड़वा रस है वो कफ और पित्त को कम करता है, पेट को क्लीन करता है और बॉडी में जितने भी टॉक्सिन इकट्ठे हैं उनको फ्लश आउट करता है। हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा वाटर है जिसकी वजह से सड़न हो रही है उसको भी सुखाने का काम करता है। इसलिए गिलोय तिक्त रस प्रधान है तो इसका सेवन चर्म रोग में जरूर करें। ये तिक्त रस होकर के भी टॉनिक का काम करता है। ज्यादातर तिक्त रस की जो औषधियां हैं वो धातु क्षय करती है, आपके शुक्र धातु का क्षय करती हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा करेले का जूस या कड़वी चीजों का सेवन करते हैं वो इरिटेशन होने लगती है, उनको घुटने में दर्द होने लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है उनके अंदर। वो इस वजह से कि उनके ज्यादा समय तक तिक्त रस का सेवन करने से धातु का क्षय होने लगता है। परंतु गिलोय एकमात्र ऐसी दवा है जो कड़वी होकर के भी धातुओं को पोषण देने का, उसको नरिशमेंट देने का काम करती है। एक तरह से ये धातुओं को टॉनिक का काम करती है। एक तरफ आपकी बीमारी भी खत्म हो रही है, आपका ब्लड भी साफ हो रहा है और आपके धातुओं को पोषण भी मिल रहा है। तो आयुर्वेद में जो कुष्ठ रोग है, जितने भी त्वचा के रोग है, वो सब रक्त धातु के खराब होने से होते हैं और गिलोय आपके रक्त धातु को साफ करती है, रक्त को क्लीन करती है, इसलिए इसे दवा के रूप में आप ले सकते हैं। दूसरा है सौंठ। ये तो मेरा फेवरेट है, अदरक या फिर सौंठ। ये भी एक बहुत ही कमाल की दवा, ये वात और कफ को कम करती है, अग्नि को बढ़ाती है और रसायन के जैसे काम करती है। और आयुर्वेद में इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि दुनिया में सभी बीमारियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये शरीर में दीपन पाचन करती है, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन इकट्ठा हुआ है उसको निकालने में मदद करती है। तीसरा है घी। घी के बारे में तो मैंने पहले भी ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाला हुआ, वो वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा, बहुत काम की चीज है। उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल दिया है कि घी का सेवन क्यों करना चाहिए। लोग अक्सर घी को इतना बुरा भला कहते हैं, परंतु उसमें मैंने बताया घी का सेवन क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, तो वो वीडियो जाके चेकआउट जरूर करिएगा। घी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्नेह है, यानी कि सबसे अच्छा ऑयली चीजों में एक है। और यहाँ मैं गाय के घी के बारे में बात कर रही हूँ, वो भी देसी गाय के घी के बारे में। जब आप घी को किसी दवा के साथ लेते हैं तो उस दवा की पावर बढ़ जाती है और साथ ही घी आपके पूरे शरीर को नरिशमेंट देने का काम करता है, विषाक्त पदार्थों को निकालने में हेल्प करता है, घी हमारे खून को साफ करने में मदद करता है और जितने भी टॉक्सिन हमारे शरीर में उनको निकालने में मदद करता है। घी बेस्ट दवा है सभी तरह के डिसऑर्डर में, खासकर वात और पित्त के। तो जब इन तीनों औषधियों के गुण धर्म देखेंगे तो वात, पित्त और कफ, इन तीनों पे ही बहुत अच्छा वर्क करते हैं, इसलिए ये सभी तरह के चर्म रोग में फायदेमंद है। अब लेना कैसे ये जान लेते हैं। गिलोय का पाउडर 1 चम्मच, सौंठ 1/4 चम्मच और देसी गाय का घी 1 चम्मच। ध्यान रहे अगर आप बाजार वाला सौंठ यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा लाइट होता है, तो उसको आप 1/2 चम्मच करेंगे। अगर आप घर पे सौंठ बना रहे तब वो 1/4 चम्मच लेंगे। तो 1 चम्मच गिलोय, 1/4 चम्मच घर का सौंठ, या आप घर पे ला करके सौंठ को पीसते हैं वो सौंठ, और 1 चम्मच देसी गाय का घी, इन तीनों को एक साथ मिला लीजिए और दोपहर में खाना खाने के बाद लीजिए। अब आप कहेंगे दोपहर में खाना खाने के बाद क्यों लेना है इसे। तो जब आप सुबह और दोपहर के खाना खाने के बाद इसे लेते हैं तो ये व्यान वायु पर काम करता है। हमारे शरीर में जो वात है वो 5 अलग अलग तरह के होते हैं और उनका काम भी अलग अलग होता है। तो जो व्यान वायु है वो पूरे शरीर में सर्कुलेशन का काम करती है, मतलब शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन, प्लाज्मा का घूमना, ये सब व्यान वायु का काम है। हर सेल को पोषण देना व्यान वायु का काम है। तो जब आप व्यान वायु के काल में यानी सुबह या दोपहर के समय में खाना खाने के बाद इस दवाई का सेवन करेंगे तो ये बहुत तेजी से आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा और तेजी से काम करेगा। किसी भी तरह का चर्म रोग है, सोरायसिस हो, एक्जिमा हो, दांत, खाज, खुजली, कुछ भी हो, सभी में ये कॉम्बिनेशन आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। कितने समय तक ले सकते हैं आप इसे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक भी ले सकते हैं। ये एक सेफ कॉम्बिनेशन है, इसका हर कोई इसका उपयोग कर सकता है। इसका ऐसा कुछ नहीं है ये आपको नुकसान कर जाएगा, इसमें ऐसी कोई हर्ब्स नहीं है। गिलोय है, सौंठ है और शुद्ध घी, तीनों आपको पोषण भी देंगी, क्लीनिंग भी करेंगी बॉडी की, आपके चर्म रोग को भी ठीक करेंगी, आपके पूरे ओवरऑल बॉडी को नरिशमेंट भी देंगी, आपके धातुओं को नरिश करेंगी। तो ओवरऑल एक तो ये सेफ रेमेडीज है, साथ ही आपके पूरे शरीर को नरिशमेंट दे रही है, आपके पूरे शरीर के विष को निकालने में मदद करी, आपके पूरे बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करी। तो ये बहुत ही सेफ कॉम्बिनेशन, आप इसको किसी भी तरह के
चर्म रोग में ट्राई कर सकते हैं। परंतु कोई भी चर्म रोग को आप ये को मत सोचिएगा कि एक हफ्ते दो हफ्ते में ठीक हो जाएगा। चर्म रोग ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, लंबा समय लगता है, तो इसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। चर्म रोग पे मेरे द्वारा दी गई रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिनको भी इसकी जरूरत है उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए धन्यवाद।